सिरमौर जिला में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले का आगाज हो गया है। मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या से पूर्व महानाटिक आयोजन किया गया, जिसमें सिरमौर जिला की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस दौरान लोक कलाकारों द्वारा भडालटू, ठोडा, डगेली नृत्य पेश किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। इस महानाटिक आयोजन पद्मश्री अवार्डी विद्यानंद सरेक और वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके लोक गायक जोगिंदर हब्बी की अगुवाई में किया गया। पद्मश्री अवार्डी विद्यानंद सरेक ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को बचाने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है, जिसे मीडिया बखूबी निभा रहा है। मीडिया से ये कहूंगा, आप ही बचा सकते हैं ये अभी हमारी संस्कृति को। विलुप्त हो रही है हमारी नाटियाँ, विलुप्त हो रही है। इसमें जो कथा और कथानक की ऐतिहासिकता है वो खत्म होती जा रही है। हमारे लोक नाट्य करियाला श्री के बड़े इम्पोर्टेंट जो सामायिक संवादों से सजे थे वो खत्म इस संस्था ने किया है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि संस्कृति को बचाने के लिए जो आप कर सकते हैं, ना राजनेता कर सकता है, ना साधु संत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपके पास जो साधन है और जन जन तक आप जिस एक बारीकी से इसकी बहुरंगी जो विधाएं हैं वो पेश कर सकते हैं। वहीं इस मौके पर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके लोक कलाकार जोगिंदर हब्बी ने महानाटी के आयोजन के लिए प्रशासन का आभार जताया और कहा कि प्रशासन का ये सराहनीय कदम है और इससे लोक कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलता है। गत वर्ष भी यहाँ हमने महानाटी की और उसमें काफी महिलाएं आई थी, और इस वर्ष भी एक प्रयास है जिसमें की सिरमौर के लगभग सभी विधाओं को एक मंच पर, एक मंच के माध्यम से हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि सुबह से सरेक साहब जब से उठे हैं, 5 बजे सुबह उठे हम लोग, तब से प्रयास कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से गीतों पर हम कार्य कर रहे हैं। हमें थकान भी होती है, लेकिन जब बहुरंगी संस्कृति का यहाँ प्रश्न होता है तो सारी थकान खत्म हो जाती है। हम धन्यवादी हैं प्रशासन के और सभी अफसरान के जिन्होंने इस महानाटी का आयोजन किया, और धन्यवादी है हम बुढ़ियाचू के, ताल वादकों के, इन महिलाओं, माताओं, बहनों के और जो ग्रुप से आए उन सभी धन्यवादी हैं कि वो भी हमारी झाड़ भी सुन रहे हैं, थकावट भी सह रहे हैं, उसके बाद भी हंस करके कार्य कर रहे हैं।